लाइट का पोलराइजेशन, जिसका क्या मतलब है? तो पहले लाइट का नेचर हम लोग समझते हैं. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये वेव्स जो जनरेट होकर निकलती हैं, इनका नेचर कैसा होता है? देयर इज वन डायरेक्शन इन विच लाइट इज प्रोपेगेटिंग. लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन. देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द आंसर इज दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस तरह से एट एनी गिवन टाइम दिस गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वाइब्रेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं. ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. तो लाइट किस तरह की वेव्स होती है? तो आंसर है, लाइट ट्रांसवर्स वेव्स होती है. देयर आर टू नेचर्स. वन इज लॉन्गिट्यूडनल, इन विच द डायरेक्शन इज अलोंग द वेलोसिटी. अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और अगले पार्टिकल को ऐसे हिट करते हैं, तो इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको हिट किया और डिस्टरबेंस इधर चला गया, ये लॉन्गिट्यूडनल है. लेकिन अगर ये ऐसा चलता है, नेक्स्ट पार्टिकल भी ऐसा चलता है, फिर इससे नेक्स्ट पार्टिकल ऐसा चलता है, नेक्स्ट पार्टिकल ऐसा चलता है, नेक्स्ट पार्टिकल ऐसा चलता है, तो ये वाला डिस्टर्बेंस यहां पहुंच गया. ये डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा तो ये किसकी डायरेक्शन है? वेव की. लेकिन पार्टिकल तो हमेशा ऐसा चलता है. तो वी विल से द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी. ऐसी वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल वेव. तो लाइट का नेचर कैसा होता है? ओके, तो लाइट का नेचर ट्रांसवर्सल होता है. अभी हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे और इसको मैक्सवेल इक्वेशन से भी प्रूफ किया जा चुका है कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है. ट्रांसवर्स जैसे एक हमने स्ट्रिंग को बांधा, रस्सी को बांधा और उसको ऐसे हिलाया, तो रस्सी में ऐसी वेव्स बनती हैं और ये वाले वाइब्रेशन होते हैं. ये कैसे है? ट्रांसवर्सल. ऊपर नीचे वाइब्रेशन होंगे जबकि डिस्टर्बेंस रस्सी के साथ उधर चला जाएगा. तो ये डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी की और ये डायरेक्शन है वाइब्रेशंस की. ओके, लाइट भी इसी तरह से जाती है. अब दूसरी चीज कि लाइट के जो वाइब्रेशन होते हैं उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये कैसे फैसला होगा? लाइट को जाना किधर है? लाइट को ऐसे जाना, दैट इज ओके. पर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये है ऐसा वाइब्रेशन, ठीक है? हो सकता है ये वाइब्रेशन भी तो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा भी हो सकता है. ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है, ऐसा भी हो सकता है. तो लाइट के, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे, 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 ऐसे किसी भी तरह से हो सकते हैं. तो जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये कोई भी डायरेक्शन में दिख सकते हैं. तो वाइब्रेशन की एक डायरेक्शन होती है कि बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं? तो इसके थोड़ा सोर्स में जाते हैं. लाइट कैसे पैदा होती है? लाइट पैदा होती है एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है. एक्साइटेड में कैसे जाता है? पहले वो ग्राउंड पे था, हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देने से वो एक्साइट होके बाहर वाले ऑर्बिट में चला गया या अगले लेवल में चला गया और वो एक्साइटेड स्टेट हो गई उसकी. वहां पर उसके लिए जगह नहीं होती, अपनी ऑर्बिट में वापस आ जाता है और अपने ऑर्बिट में वापस आता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो वापस करता है. तो जब वो एक्सेलरेट होके वापस आता है उस समय एनर्जी को जो निकालता है वो एनर्जी लाइट है. उस समय अगर उसका वाइब्रेशन ऐसा है तो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा निकलेगा और ऐसा चलेगा. एनर्जी देते समय अगर उसका वाइब्रेशन ऐसा है
तो जो उससे लाइट निकलेगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा निकलता चला जाएगा, उसका वाइब्रेशन ऐसा है तो इस तरह से निकलता चला जाएगा। अब एट ए टाइम जब लाइट निकलती है तो क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से निकलती है? आंसर है नो, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बल्ब में लगातार इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और लगातार एनर्जी निकलते जाती है, तो कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, और विद इन ए माइक्रोसेकेंड लाखों इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर जाते हैं। तो हमको जो लाइट दिखती है, हमको लाइट कैसे दिखती है? हमको लाइट इस तरह से दिखती है कि कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसके बीच में सब इस तरह से ये लाइट के वाइब्रेशंस हैं। सभी डायरेक्शंस में दिख रहे हैं, तो सब डायरेक्शन में क्यों दिख रहे हैं? अब इस बात को आप समझ गए हैं। अच्छा, अब ये वाली ये लाइट का नेचर होता है। अब अगली चीज देखते हैं, हमारे नेचर में कुछ इस तरह के मटेरियल हैं कि जिसके अंदर से हम जब लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट के कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ मॉलिक्यूल्स की ऐसी चेन रहती है कि वो चेन जैसे यहां से लाइट गई और इसकी जितनी ऐसी वाली चेन है सब इसमें एब्जॉर्ब हो गई, फिर यहां से लाइट निकल गई तो हम देखते हैं कि ऐसे वाले वाइब्रेशंस तो आ गए हैं पर ऐसे वाले वाइब्रेशन इसमें एब्जॉर्ब हो गए, इस चेन से टकरा गए। हम इसकी इसका कंपैरिजन करते हैं, इसकी तुलना करते हैं एक विंडो से कि हमारे पास एक विंडो बनी हुई है जो कि ऐसी है। इस विंडो में अगर वाइब्रेशन ऐसे जाएंगे तो ऐसे निकल आएंगे, और अगर ऐसे वाइब्रेशन जाएंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये ऐसे निकल आएंगे और ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये जो वाइब्रेशंस निकलकर ऐसे आ गए, ये वाइब्रेशन लाइट की वेव है, ये हमारी आंख में पहुंचती है और हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। ऑब्जेक्ट अभी भी हमको दिख रहा है, इस विंडो में से दिख रहा है, लेकिन पहले जब दिख रहा था तो हमारे पास ये दोनों लाइट आ रही थी इस तरह से, अभी हमारे पास इतनी लाइट आ रही है क्योंकि ये वाली रास्ते में एब्जॉर्ब हो गई है, उस विंडो में एब्जॉर्ब हो गई टकरा कर। तो ये जो लाइट हमारे पास आ रही है इसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और इसमें जो पहले सब तरह की डायरेक्शन थी वो खत्म हो गई। ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन थी, ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन थी, वो अब इसके पास नहीं रही, अब इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। तो जब एक डायरेक्शन वाली चीज बनेगी तो हम उसको बोलेंगे ये पोलराइज्ड हो गई, तो ये लाइट क्या हो गई? पोलराइज्ड। इस तरह से लाइट पोलराइज्ड हो सकती है। तो पोलराइज्ड लाइट क्या हो? पोलराइज्ड लाइट वो वाली लाइट है जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक एक्सिस पर हो रहे होते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर वाइब्रेशंस नहीं होते। ये वाली लाइट क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड। और जिसमें दोनों तरफ होते हैं, जिसमें सब तरफ होते हैं, ये वाली लाइट, तो ये वाली लाइट ऐसी कहलाएगी पोलराइज्ड का उल्टा अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड। और अगर ये हमको ऐसे लाइट मिलती है, दिस इज पोलराइज्ड, क्योंकि इसके वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है?
तो सिमिलैरिटी तो ये है कि जब हम अनपोलराइज लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी पूरी डिटेल सबको दिखती है। पोलराइज लाइट में भी हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको पूरी डिटेल्स दिखती, कोई डिफरेंस नहीं दिखता। ये नहीं हो सकता कि उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमको कोई डिफरेंस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ए सिंगल रे, ए सिंगल वेव ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूरी डिटेल उसकी हमको समझ में आ जाएगी एक सिंगल वेव आने से। इसलिए अगर इतनी सारी वेव्स आती हैं तो भी हमको फुल ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर इतनी वेव्स आती हैं, सिर्फ ये वाली वेव्स आती हैं तो भी हमको फुल ऑब्जेक्ट दिखेगा, सिंगल आती है तो भी फुल ऑब्जेक्ट दिखेगा, फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस याद रखिए, डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम हो गए। ये इसमें जब ऐसे आ रहे थे ये वाइब्रेशन आ रहे थे दो, और दोनों एनर्जी लेकर आ रहे थे, इसके पास एनर्जी थी 10, इसके पास एनर्जी थी 10, हमारी आंख में कितनी एनर्जी आई 20। अब इसमें से हमने उस विंडो से ऐसा पार कराया तो ये कट गया, एब्जॉर्ब हो गया और ये पार होके आ गया। अब एनर्जी कितनी आई 10, पहले एनर्जी कितनी आ रही थी 20। तो वेव जो एनर्जी कैरी करती है उसको हम क्या कहते, तो आंसर है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है? चमक होती है। चमक क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को धूप में देखिए पूरा दिखेगा, थोड़ा सा छांव में देखिए तो भी आपको दिखेगा, लेकिन धूप में और छांव में क्या अंतर है? इंटेंसिटी का अंतर। धूप में अगर वो हमारी तरफ 20 वेव्स भेज रहा है तो जब छांव में है तो 10 वेव्स भेज रहा है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस आ जाता है जब हम अनपोलराइज लाइट में ऑब्जेक्ट को देखते हैं और पोलराइज लाइट में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अनपोलराइज में हमको ज्यादा चमकदार दिखेगा और पोलराइज में कम चमकदार दिखेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स कम हो गए। कितनी कम हो गई? तो आंसर है हाफ हो गई। ऐसे हमने भेजा था, ये वाली कट गई, ये वाली आ गई। तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो नोट करिए, नंबर वन, व्हाट इज पोलराइजेशन? नंबर वन, क्वेश्चन वन, व्हाट इज पोलराइजेशन? आंसर, लाइट हैज ट्रांसवर्स वेव नेचर इन विच द वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शंस perpendicular to velocity of light। When this light pass through a particular object, called polarizer, the vibrations of one direction are absorbed and the vibrations in perpendicular directions are allowed to pass. Are allowed to pass.
Now this light is called, now this light having vibrations, now this light having vibration in one direction is called polarized light. Is called polarized light. इसको इंडिकेट करने के लिए इसका इंडिकेटर हमने बनाया. ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. ये वाइब्रेशंस हैं, दीज आर वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन, और दूसरे वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ऐसे, उसका हमको ये वाला पार्ट दिखता है. ये वाला जो पार्ट दिखता है, इस पार्ट के कारण हमने यहां पर ये निशान बना दिया. सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड, उसका साइड व्यू हमको ऐसे दिखेगा. ये तो मैंने फ्रंट बनाया था, ये कैसा है साइड व्यू. इसमें वेलोसिटी भी आ गई, ये वाले वाइब्रेशन ऐसे आ गए और ये वाले वाइब्रेशन ऐसे आ गए. अब इसके सामने हमने एक पोलराइजर लगा दिया. जब हम इसके सामने एक पोलराइजर लगा देते हैं यहां पर, और वो पोलराइजर इसको अलाउ करेगा, वर्टिकल को अलाउ करेगा और ऐसे वाले को ब्लॉक कर देगा जो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां जो लाइट निकल के आएगी, ये लाइट, इस लाइट को अब हम ऐसे बनाएंगे. ये वाली लाइट कैसी हो गई? पोलराइज्ड. ये अनपोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड. इसमें ये वाले जो वाइब्रेशंस थे, ये वाइब्रेशन गायब हो गए. अगर हमने इसमें दूसरा ये जो पोलराइजर लगाया है, इस पोलराइजर को हमने ऐसे लगाया अलोंग जेड एक्सिस, तो इसमें से जो लाइट निकल कर आएगी, ये लाइट ऐसी होगी, इस तरह से. अब इसमें कौन से वाइब्रेशंस हैं? ये वाले वाइब्रेशंस हैं हॉरिजॉन्टल, और कौन से वाइब्रेशन इसके एब्जॉर्ब हो गए? वर्टिकल वाले एब्जॉर्ब हो गए. तो ये लाइट भी कैसी हो गई? पोलराइज्ड. ये भी एक तरह की पोलराइज्ड, ये भी एक तरह की पोलराइज्ड. डिपेंड करता है कि ये जो पोलराइजर हमने रखा है, ये पोलराइजर ऐसा रखा गया है या ऐसा रखा गया है. ठीक है, अगर ऐसा रखा गया है तो लाइट ऐसी चले, ऐसे वाले वाइब्रेशन जाएंगे, और अगर ऐसा रखा गया है तो ऐसे वाले वाइब्रेशन जाएंगे. इस तरह से ये दोनों पोलराइज लाइट है और ये वाली अनपोलराइज लाइट. ठीक, तो ये पोलराइज और अनपोलराइज लाइट का इंडिकेटर डायग्राम इस तरह से बनेगी. अब पोलराइज और अनपोलराइज में किस चीज का डिफरेंस है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा. इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो आंसर है इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज हाफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज. तो जब भी लाइट पोलराइज होगी उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी. ये दोनों क्या है? पोलराइजर. ये पोलराइजर कुछ नेचुरल मटेरियल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं. नेचुरल मटेरियल में हम लोग जो यूज करते हैं, दोज आर मेनी क्रिस्टल्स एंड वन एग्जांपल इज टॉर्मेलिन क्रिस्टल. उसके बाद हम लोगों ने और बहुत सारे क्रिस्टल केमिकल रिएक्शन से बनाए, और इस पूरे ग्रुप को जो
पोलराइजेशन का काम करता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे पोलराइड। तो पोलराइड्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में वाइब्रेशंस को जाने देंगे और दूसरी एक्सिस में नहीं जाने देंगे। उससे हमको क्या मिलेगी? उससे हमको पोलराइज लाइट मिलेगी। ओके, अब अगली चीज, एक ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उससे लाइट हमारी आंख में आ रही है। वो जो लाइट हमारी आंख में आ रही है वो पोलराइज्ड है या नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसका आंसर देखिए कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है, टू टेस्ट वेदर ए लाइट इज पोलराइज्ड। जो लाइट आ रही है उसके सामने हम एक पोलराइजर रखेंगे। हमारे पास यहां से जो लाइट आ रही है ये, इसके सामने हमने एक पोलराइजर रखा, ऐसा रखा पोलराइजर को, और इधर से हम देख रहे हैं तो ये वाले लाइट के वाइब्रेशंस हमारी आंख में आ गए, ऑब्जेक्ट हमको देखने लगा। ठीक है, फिर हमने इस पोलराइजर को ऐसा घुमाया और ऐसा कर दिया। जब ऐसा किया तो ये वाले वाइब्रेशन हमारी आंख में आ गए, ये भी उसी ऑब्जेक्ट से आ रहे, ऑब्जेक्ट फिर हमको दिखने लगा। जैसे एक पंखे से लाइट आ रही है और उसमें दोनों वाइब्रेशन हैं, तो जब हम पोलराइजर को ऐसा रखते हैं तो ये वाइब्रेशन आ जाता है, पंखा दिखता है। जब पोलराइजर को ऐसा कर देते हैं तो ये वाइब्रेशन आता है, तब भी पंखा दिखता है। अगर हमको दोनों तरफ घुमाने से पंखा दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसमें पोलराइजेशन नहीं। फिर से, अब अगर पोलराइज लाइट आ रही है, ये फैन से लाइट आ रही है, और इसके सामने इसमें सिर्फ इस तरह के वाइब्रेशन है, इसके सामने हमने पोलराइजर को रखा, ये वाइब्रेशन उसमें से पार होके आ गए, हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, उसके बाद हमने इसको घुमा दिया। जैसे ही हम इसको ऐसा घुमाते हैं, घुमाने के बाद क्या दिखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है, नहीं दिख रहा है मीन्स ये जो पहले लाइट आ रही थी ये कैसी थी, दैट वाज पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट की टेस्टिंग कैसे होती है? वी विल पुट ए पोलराइजर ऑन द वे ऑफ लाइट, सी द ऑब्जेक्ट एंड रोटेट द पोलराइजर। इफ बाय रोटेटिंग इट्स इंटेंसिटी चेंज देन द लाइट वाज पोलराइज्ड, इफ द इंटेंसिटी डज नॉट चेंज, ये इसमें आप पोलराइजर को ऐसा रखिए, पोलराइजर को ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, कैसा भी रखिए वाइब्रेशन आएंगे एक जैसे, तो हर रोटेशन में हमको एक जैसी इंटेंसिटी दिखेगी। पर इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जैसे हम घुमाते हैं तो यहां पर ऐसे वाइब्रेशंस में हमको ये दिखता है, और जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो इसमें हमको कुछ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब ये वाली लाइट कैसी है, पोलराइज्ड, और ये वाली अनपोलराइज्ड। समझ आया? अब ये जो पोलराइजर है इसने किस चीज का काम किया, एनालिसिस करने का कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। चूंकि इसने एनालिसिस का काम किया है इसलिए हमने इसका नाम बदल के रख दिया एनालाइजर। ओके, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एनालाइजर इज बेसिकली ए पोलराइजर, और उससे हम किसका काम ले रहे हैं, एनालिसिस करने का कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है या पोलराइज्ड नहीं है। ओके, अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, पोलराइज्ड लाइट को स्टडी करते हैं। दो चीजें हम स्टडी करना चाहेंगे, एक लाइट पोलराइज्ड होती कैसे है,
दूसरा, जब ये पोलराइज लाइट हमारे पास आती है और इसकी इंटेंसिटी के क्या नियम होते हैं। अगर हम इसको एक पोलेरॉइड से देखेंगे, ये पोलेरॉइड से हम देखेंगे, तो इस पोलेरॉइड को हम थोड़ा सा घुमाते हैं, क्या पूरी लाइट जीरो हो जाएगी? तो आंसर है पूरी लाइट जीरो नहीं होती है। तो यहां पर अगर हमें कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है और इसके सामने ये लाइट के एम्पलीट्यूड्स हैं, ये पोलराइज लाइट आ रही है, इसके सामने हमने एक पोलराइजर रखा और इस पोलराइजर में से ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट की कुछ इंटेंसिटी हमको मिलती है। अब हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। यहां से हमने इसको घुमाया ये थीटा एंगल से, अभी भी ऑब्जेक्ट हमको दिखता है पर अब और ज्यादा ग्रे दिखता है, यानी उसकी इंटेंसिटी और भी कम हो गई। ये इंटेंसिटी कम होके कितनी हो गई? तो आंसर है, ये जो इंटेंसिटी है आई, पहले जब यहां से हमको दिख रहा था तो ये इंटेंसिटी थी फुल आई नॉट, पोलराइज लाइट है ना, अनपोलराइज नहीं। पोलराइज में हम देख रहे हैं तो इंटेंसिटी कितनी दिख रही थी आई नॉट, अब उसके सामने हमने एक और पोलराइजर रखा और उस पोलराइजर को थीटा एंगल से घुमाया, तो ये इंटेंसिटी और कम होती चली गई। जब ये कम हो गई तो कम होने के बाद ये कितनी है आई, ये जो आई है ये इस थीटा पर डिपेंड करता है और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, जब ये थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? वन, वन मैक्सिमम वैल्यू, और जब ये 90 हो जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो इंटेंसिटी कितनी दिखेगी हमको? जीरो नहीं दिखेगी। तो ये आई किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, या आई इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वेयर थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो इंटेंसिटी कितनी दिखती है? I नॉट। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और थीटा 90 हो गया तो cos 90 कितना होगा? जीरो। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। cos 90 zero, so intensity will become zero at right angle. ये वाला जो नियम है, this नियम, this law is known as Marouin's law. Marouin's law. Okay? तो Marouin's law का एक छोटा सा proof है, वो हम लोग कर सकते हैं। या geometric calculation है, ये किसी लोकेशन पर एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है ए। जब इस तरह का हमने पोलराइजर रखा तो उसमें से इतना एम्पलीट्यूड आता है ए। अब हमने यहां से इसको घुमा दिया पोलराइजर को बाय एंगल थीटा, तो ये जब ए एम्पलीट्यूड ऐसे जाता है ये इधर, तो हम क्या देखते हैं कि ये जब नीचे आ गया है तो यहां से यहां तक का कितना एम्पलीट्यूड ये वाली विंडो से पार हो सकता है, पर ये ऊपर का एम्पलीट्यूड इससे पार नहीं हो सकता क्योंकि विंडो इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी विंडो है? ए के बराबर। तो उस विंडो को जब हमने यहां रखा था तो उसने कितना बड़ा वाइब्रेशन पार कराया था? ए। जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल से तो अब वो कितना बड़ा वाइब्रेशन पार कराएगी? तो आंसर है यहां से लेके यहां ये वाई, इतना वाला तो इससे पार हो गया, और ये वाला पोर्शन
ये पार नहीं होता क्योंकि विंडो यहां खत्म होगी। अब इसमें से ये जो ए एम्पलीट्यूड पार हो रहा था, अब कितना एम्पलीट्यूड पार हो रहा है वाई, ये बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि हमने विंडो को ऐसा घुमा दिया। अगर हम इसको घुमाकर और ऐसा कर देंगे यहां पर, तो अब कितना वाइब्रेशन पार होगा इसमें से, इतना सा पार होगा, बाकी ये वाला इसमें से पार नहीं होगा क्योंकि विंडो यहीं तक है। जैसे जैसे ये घूमता जाएगा वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड छोटा हिस्सा इसका इसमें से पार होगा। तो कितना हिस्सा पार हो रहा है वाई? अब हमने इसको ये थीटा एंगल से घुमाया है, तो जब ये यहां से पार होता था तो इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? ए स्क्वायर, ये फुल इंटेंसिटी थी। अब जब ये यहां से पार हो रहा है तो कितना एम्पलीट्यूड सिर्फ पार हो रहा है वाई, वाई और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है ए, तो वाई अपॉन ए इसके बराबर है, वाई अपॉन ए। थीटा के लिए वाई है बेस और ए है हाइपोटेनियस, तो वाई अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर इतना एम्पलीट्यूड इसमें से पार होता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? तो आंसर है उसकी इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये उसकी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई नॉट, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मारूज लॉ। ये मारूज लॉ है। एक क्वेश्चन नोट करिए, फॉर व्हाट एंगल ऑफ ए पोलराइजर द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट विल बिकम हाफ। For what angle of a polarizer the intensity of polarized light will become half? इसका ये मतलब है कि अगर पहले इंटेंसिटी I नॉट थी तो बाद में I नॉट अपॉन टू हो जानी चाहिए, ठीक है? तो लिखिए according to Mahrouz law I is equal to I नॉट cos square theta। इसमें आप आई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? आई नॉट अपॉन टू, और आई नॉट की वैल्यू आई नॉट, ये समझ में आया? पहले आई नॉट थी और बाद में कितनी हो गई? आई नॉट अपॉन टू, दोनों की वैल्यू रखी, अब थीटा की वैल्यू निकाली। हाँ जी, कितना आया? 45 डिग्री, ठीक है? तो cos square theta half आया, cos theta is equal to 1 upon root 2, theta is equal to 45 degree, यानी जब हमारा polarizer 45 degree घूम चुका होगा तो intensity कैसी हो जाएगी? half, और जब 90 घूम जाएगा तो 0, okay? So this is Mahrouz law। अब इसके बाद अगली चीज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है polarization by reflection। नोट करिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो हमने पढ़ा है उसके तीन रिजल्ट होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। ओके, तो एक लाइट आ रही है विच इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड इट स्ट्राइक्स ए सरफेस, ये लाइट की आने की डायरेक्शन है, तो यहां पर इसके पास वाइब्रेशंस हैं,
दिस एंड दिस, ये दोनों वाइब्रेशन है इसके पास. अब ये यहां टकराती है. ये वाला मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू. तो ये लाइट के यहां पर क्या क्या एक्शन होंगे? नंबर वन, सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी. नंबर टू, कुछ एब्जॉर्ब होगी. नंबर थ्री, ट्रांसमिट हो जाए. तीनों एक्शन होंगे. तीनों एक्शन की डायरेक्शन के बारे में और इसके एक्शन के बारे में सोचिए. यहां पर एक नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ही कुछ एंगल बनाएगी आई, और उतने ही एंगल से ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये जब यहां रिफ्लेक्ट होती है तो हम एक चीज देखते हैं कि ये वाली लाइट पोलराइज्ड हो गई. रिफ्लेक्शन से ये वाली लाइट पोलराइज्ड हो गई ऐसे. और ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये मोस्टली गायब हो गए. ये कैसे हो गया? तो ये बड़ा सिंपल है समझना. ये वाले वाइब्रेशन इसमें एब्जॉर्ब हो गए और ये वाले वाइब्रेशन चले गए वापस. क्यों ऐसा हो गया? तो देखिए, दो तरह के वाइब्रेशंस हैं. ये दोनों वाइब्रेशन, ये दोनों वाइब्रेशन इधर से चले आ रहे हैं इस डायरेक्शन में. ये ऐसा चलता है, ये वाला ऐसा चलता है. ये दोनों ग्राउंड पर, सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं. ये सरफेस है. इस सरफेस पर ये ऐसे चलते हुए आया और इसने ऐसे स्ट्राइक किया. ये ऐसे स्ट्राइक करेगा, हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए. कैसे एब्जॉर्ब हो जाए? जैसे हम एक कुदाली लेकर आते हैं और एक सॉफ्ट मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी में हमने जोर से कुदाली मारी, अंदर जाएगी. ठीक. दूसरा देखिए, दूसरे का वाइब्रेशन ऐसा है. ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करके ये इधर से आता है और इससे टकराता है. अगर ये ऐसा टकराएगा तो ये ऐसा उछल जाएगा. अगर ऐसा टकराएगा तो इसको पंचर करेगा और इसके अंदर चला जाएगा. अगर ऐसा टकराएगा इस तरह से तो इसके पंचर करने के चांस नहीं है. ये ऐसा टकरा रहा है, नोक नहीं मार रहा इसको, तो ये क्या करता है? ऐसे आके उछल जाता है, बाउंस हो जाता है. तो ये दो वाइब्रेशन आए, जो ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं वो इसको पंचर करके अंदर चले जाते हैं, और जो ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं ये इससे ऐसा टकराते हैं और टकराकर उछलकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें ताकत नहीं है कि इसको पंचर कर सके. क्यों? क्योंकि ये नोक से नहीं मार रहे हैं इसको. समझ आ रहा है? तो जैसे अगर हमको एक कुदाली इसके अंदर ले जानी है, एक छीनी, एक सुई इसके अंदर ले जानी है, तो हम उस सुई को ऐसे हिट करते हैं. ऐसे हिट करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, ऐसे हिट करेंगे तो उछल जाएगी. यही वाइब्रेशन के साथ होता है. तो ये वाले वाइब्रेशन सरफेस के अंदर चले जाते हैं और ये वाले वाइब्रेशन उछल के बाहर आ जाते हैं. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो लाइट बाहर आती है वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन वाली लाइट होती है और उसमें दूसरे टाइप के वाइब्रेशंस नहीं होते. ये वाइब्रेशन ऐसे आ जाएंगे और ये वाले वाइब्रेशन इसके अंदर चले जाएंगे. ये वाले वाइब्रेशन भी हो सकता है, कुछ इसकी सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है, ये भी कुछ अंदर जाएंगे. इस तरह से हमको कुछ लाइट इधर जाती हुई मिलती है और कुछ लाइट इसमें से ट्रांसमिट होके ऐसे आती हुई मिलती है. इसके पास भी वाइब्रेशन होते हैं
और इसके पास दोनों तरह के वाइब्रेशन होते हैं। तो ये वाली लाइट पोलराइज नहीं होती है, ये वाली लाइट पोलराइज होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये वाली रिफ्रैक्टेड। सो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड। सो व्हेनेवर अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक्स ए सरफेस देन ए पार्ट ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब and part of light is reflected. This reflected light is polarized. अब इसमें और इसकी डिटेल, ये जो पोलराइजेशन होता है क्या ये 100% पोलराइजेशन होता है? तो इस पर एक साइंटिस्ट साहब ने काम किया, उन्होंने हमको बताया कि ये कितना परसेंट पोलराइजेशन होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल से इसको स्ट्राइक कराते हैं, कितने एंगल से स्ट्राइक कराते हैं। और इसको थोड़ा सोचने का कष्ट करिए, ये इसने एब्सॉर्ब होना है, ये ऐसा ये सरफेस पर जाकर ऐसे स्ट्राइक करता है, ऐसा ये सरफेस पे जाके ऐसे स्ट्राइक करता है, ऐसे करता है, ऐसे स्ट्राइक करता है और ऐसे स्ट्राइक। किस केस में ये ज्यादा अंदर जाएगा? तो आंसर है एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम एंगल होता है, उस एंगल पर जब हम ऐसे हिट करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर भी जाती है कुदाली और मिट्टी को निकालती भी, दोनों काम कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, उस एंगल पर हमको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि इस आई को यहां से हमने शुरू किया, यहां से जब हमने आई लिया तो देखा कि ये 50% पोलराइज हुई, यहां से आई यहां से गई 50% पोलराइज। फिर हमने इसको यहां कर दिया, यहां से आई इक्वल एंगल बनाकर यहां गई 60% पोलराइज। फिर हमने इसको यहां किया 80%, फिर इसको यहां एक पर्टिकुलर एंगल पे किया 100% पोलराइज्ड, फिर इस एंगल को और बढ़ाया फिर से 70% पोलराइज्ड, फिर और एंगल को बढ़ाया फिर से 50% पोलराइज्ड। ये कैसा हो रहा है? जैसा प्रिज्म के केस में हुआ था, डेविएशन कम होता है फिर वापस आता है, वैसे ही इसमें होता है, देयर इज ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस पर्टिकुलर एंगल पर ये पोलराइजेशन कैसा हो जाता है 100%। दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आईपी, पोलराइजिंग एंगल। ओके, नोट करिए व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल आईपी इज, पोलराइजिंग एंगल आईपी इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the reflected light, at which the reflected light is completely polarized, for which the reflected light is completely polarized। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन में एक और स्पेशल चीज होती है, जिस समय ये वाली सेटिंग हो गई होती है एंगल ऑफ पोलराइजेशन की, उस समय एक ये वाला जो एंगल होता है
द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रेक्टेड लाइट दिस बिकम 90 डिग्री एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो नोट करिए व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल when the light is incident at polarizing angle then the reflected light and refracted light then reflected light and refracted light are at right angle to each other are at right angle to each other. नेक्स्ट ये जो सारी स्टडी की थी जिस साइंटिस्ट ने हिज नेम वाज ब्रूस्टर तो ये उसने लॉ बनाए थे. तो नेक्स्ट ब्रूस्टर्स लॉ ब्रूस्टर्स लॉ से इज दैट टेंजेंट आई पी is equal to mu, the refractive index, or mu is equal to 10 IP. This is Brewster's law. What is IP? अभी अभी आपने angle of polarization. ठीक है. अब इसका एक छोटा सा proof देखिए. Proof. Mu is equal to साइन आई अपॉन साइन आर. ये हम लोग जानते हैं म्यू आई यहां पर है आर कहां है तो आंसर है ये आर है ये आर. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए इधर ध्यान दीजिए. ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी कितना होगा I क्यों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के. सो दिस इज ऑल्सो I. इफ दिस एंगल इज I देन टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल. ये दोनों मिलाकर कितने हैं 90. दिस एंगल इज I तो ये कितना बचा 90 माइनस I. क्लियर. अगर ये 90 माइनस I है ये दोनों एंगल कितने हैं मिलाकर 90 उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना हुआ आई. ये कितना है 90 माइनस आई इधर से आया. ये दोनों एंगल मिलाकर कितने हैं 90. 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कर दीजिए 90 माइनस आई कितना हुआ आई. तो ये वाला एंगल कितना हो गया आई. अगर ये एंगल आई है और यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ. ये आई है तो ये कितना हुआ 90 माइनस आई. तो ये हुआ 90 माइनस आई. आप खुद ध्यान से करके देखिए आई. तो आर किसके बराबर आया 90 माइनस आई. So this is equal to sin I upon sin 90 minus I. और sin 90 minus I कितना होता है cos I. So this is equal to sin I upon cos I. Sin I upon cos I कितना होगा tangent I. और ये situation 90 वाली कब आती है when I is equal to IP. So all this will be IP. So this mu is equal to I upon R. R is equal to 90 minus I. And this is 10 IP. This is proof of Brewster's law.
So this is Brewster's law, then IP is equal to mu. Okay. तो इस तरह से रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन हो सकता है. तो ये है पोलराइजेशन. दो लॉ आपने पढ़े, एक मानूस लॉ जो उसकी इंटेंसिटी को कवर करता है और एक ब्रूस्टर्स लॉ जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताता है जिसमें से पोलराइज लाइट के बाद बाकी लाइट जाएगी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन. इससे हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर हमको म्यू पता हो तो हम आईपी निकाल सकते हैं. आईपी से हमको क्या पता लगेगा कि उस एंगल से जो लाइट आएगी वो टोटली पोलराइज्ड हो जाएगी. और एक बड़ी जनरल बात हमको पता चलती है कि टकराने के बाद लाइट पोलराइज्ड हो जाती है. अगर ऐसा होता है तो सन से जो लाइट आती है वो रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल उसको मिलते हैं छोटे छोटे उनसे टकराती है तो वहां पोलराइजेशन होता है. दैट इज नोन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. ये क्या था? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वो भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है, उसका नाम क्या है? स्कैटरिंग. तो नेक्स्ट लिखिए पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. ये डस्ट पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल से इधर से लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो ये वाला सरफेस देखिए ऐसी सरफेस है, लाइट इधर से आकर स्ट्राइक करेगी और ये यहां से ऐसी चली जाएगी. नीचे वाली सरफेस पे ये लाइट ऐसे स्ट्राइक की और ये इधर से ऐसे. There is a reflection. ये जो लाइट आएगी ये वाली लाइट कैसी होगी? Polarized. ये वाली unpolarized. ये dust particle. तो जिस direction से लाइट आ रही है उस direction से टकराने के बाद जो reflected light होगी वो कैसी हो जाती है? Polarized. ठीक है. तो यहां से अगर हम सन की, सन इस तरफ है इधर से लाइट ऐसे आ रही है तो हम सन को देखते हैं तो वो लाइट क्या हमको पोलराइज दिखती है? आंसर है नो, वो पोलराइज नहीं. क्यों? सन से सीधी आ रही है. जब हम ऐसा ऊपर डस्ट पार्टिकल को देखते हैं तो सन की लाइट इससे ऐसा टकराई, टकरा के 90 डिग्री पे घूमी और हमारी आंख में आई. अब वो क्या हो चुकी है? समझे? तो पोलराइज देखने के लिए सोर्स ऑफ लाइट इधर होना चाहिए, सोर्स और ऑब्जर्वर को इस तरफ होना चाहिए. ये ऑब्जर्वर है, सोर्स से लाइट ऐसे आएगी, डस्ट से टकराएगी, इधर से टकराकर ऐसे आएगी तो ऑब्जर्वर को कम इंटेंसिटी की लाइट दिखेगी. इसलिए जब हम ऐसे ऊपर डस्ट पार्टिकल को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हमको सन जितनी नहीं दिखती, कम दिखती है क्योंकि वो लाइट पोलराइज्ड हो गई, बहुत सारी अब्सॉर्ब हो जाती है और बाकी पोलराइज्ड होकर हमको आती है. दिस इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. ठीक है. तो ये पोलराइजेशन होता है. अच्छा, अब अगली चीज लास्ट कि पोलराइजेशन के एप्लीकेशन क्या है. ये जो पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट हमने किया, क्या एक्सपेरिमेंट? मानूस लॉ वाला. मानूस लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या किया था? एक पोलराइजर रख के घुमाया, उसने लाइट को बंद कर दिया. ये एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट है जो कि प्रूफ करता है कि दो चीजें प्रूफ करता है पोलराइजेशन. इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं
नंबर एक, इसका नेचर वेव नेचर होता है, क्योंकि वेव नेचर में ही वाइब्रेशंस होते हैं और वेव ट्रांसवर्सल होती है और कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो एक चीज तो ये पता लगा कि लाइट कैसी होती है, वेव नेचर। दूसरा, लाइट में ट्रांसवर्सल वाइब्रेशंस होते हैं। शुरू में जब लाइट के बारे में बताया गया तो 50 साल हम लोग यही समझते थे कि लाइट के वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने साउंड में पढ़ा था कि साउंड के वाइब्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और साउंड आगे बढ़ता है तो लाइट भी आगे बढ़ती है। लेकिन इसको मैक्सवेल ने प्रूफ करके बताया मैथमेटिकली, और प्रैक्टिकली पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है इससे प्रूफ हुआ कि ये ट्रांसवर्सल वाइब्रेशंस होते हैं। किस तरह से? कि अगर हमारे पास ऐसे लाइट सामने जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है इस तरफ, और ये वाइब्रेशंस ऐसे हो सकता है, ऐसे ये कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हैं तो इसके सामने आप ऐसी विंडो लगाएंगे तो ये वाइब्रेशन ऐसे चले जाएंगे, ऐसी विंडो लगाएंगे तो भी वाइब्रेशन चले जाएंगे। कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर ये वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं इस तरह से, तो ऐसी विंडो होगी तो ये वाले वाइब्रेशन जा सकते हैं, ऐसी विंडो होगी तो ये वाइब्रेशन नहीं जा सकते। अब लैब में मारूस लॉ में और उस एक्सपीरियंस में हमको क्या मिलता है उस एक्सपेरिमेंट में, कि अगर हम विंडो को घुमा लें तो लाइट का पार होना बंद, और इस डायरेक्शन में लाइट पार होती। अगर हमारे वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होते इस तरह से, तो ऐसी विंडो होती पार हो जाते, ऐसी विंडो होती तो भी पार हो जाते। लेकिन अगर वाइब्रेशन ट्रांसवर्सल है तो एक तरह की विंडो से पार होंगे और इस विंडो से पार नहीं होंगे। अब आप बताइए क्या होता है एक्चुअली, जब हम घुमाते हैं तो वाइब्रेशन एक तरफ पार नहीं होते, इसका मतलब वाइब्रेशंस कैसे हैं, ट्रांसवर्स। समझ में आया? तो पोलराइजेशन इज द ओनली फिनोमिना विच प्रूव्स, नोट करिए, पोलराइजेशन इज द ओनली फिनोमिना which proves that light vibrations are, which proves that light vibrations are transversal in nature, are transversal in nature. And light has wave nature. And light has wave nature. Okay. इसके बाद जब हम लाइट का dual nature पढ़ते हैं उस समय ये बात फिर उठेगी। तो याद रखिए polarization का main effect क्या हुआ, कि हमको पता लगा कि light का nature कैसा होता है, transversal। ठीक है, ये इसका main effect है। polarization को हम use कहाँ करते हैं, तो लिखिए polarization is used to control intensity of light. Polarization is used to control intensity of light and polarizers are used to allow the light in a particular to allow the light in a particular polarization. ठीक है, तो पोलराइजर हमको सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट दिखाएंगे, दूसरे डायरेक्शन की लाइट नहीं दिखाएंगे। जैसे यहां पर मैं आपको पेपर नहीं लाया, मैं आपको दिखाता, एक व्हाइट पेपर है या ग्रे कलर का पेपर है, उस पर ग्रे कलर से कुछ लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है।
आप उसको देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा ग्रे दिखता है। पर जैसे ही आप पोलराइजर वाला चश्मा पहनते हैं पोलराइड, तो आपको पी लिखा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पी से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज लाइट है, उसका पोलराइजेशन ऐसा है। बाकी सब पेपर से जो लाइट आ रही है उसका पोलराइजेशन ऐसे है, लेकिन हमारी आंख दोनों को देख रही है, दोनों ग्रे कलर है, दोनों एक जैसे। पर जब हम पोलराइड पहन लेते हैं चश्मा, तो वो क्या करता है, इसको अलाउ करता है, इसको अलाउ नहीं करता, तो ये चमकता हुआ पी हमको दिखता है, बाकी नहीं दिखता। इसी तरह से पोलराइड लगाकर लोग अपना बुकमार्क भी बनाते हैं, जो आप देखते हैं बुक के ऊपर स्टिकर लगे हुए रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल से दिखते हैं, अदरवाइज नहीं दिखते। तो ये पोलराइजर से हम इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। पोलराइड के जो चश्मे आते हैं दोज आर वेरी यूजफुल। रोड से सामने की लाइट टकराती है कहीं की भी और हमारी आंख में आती है, तो वो लाइट कैसी होगी, अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड? तो आंसर है दैट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। पर पोलराइज्ड होगी क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में पोलराइजेशन होता है। अब चूंकि उसका एंगल 100% पोलराइजिंग एंगल नहीं है, तो हो सकता है टोटली पोलराइज नहीं हो, पर काफी पोलराइज्ड होती है। ओके, कैसे वाइब्रेशन है इसमें? तो आंसर है ऐसे वाइब्रेशंस हैं, अगर सड़क ऐसी है तो ये वाले वाइब्रेशन उठ के हमारी आंख में आते हैं और हमको सड़क चमकती हुई दिखती है, हम चमकती हुई नहीं देखना चाहते, या सड़क को हम क्लियर देखना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर, एक सामने मोटरसाइकिल या कार जा रही है, यहां से लाइट हमारी आंख में आती है, ये लाइट कैसी होती है? आंसर है अनपोलराइज्ड। ये तो ये आदमी हमको कैसा दिखता है, ब्राइट। सड़क से कैसी लाइट आ रही है, ऐसे। क्यों? पोलराइज हो चुकी है। तो दोनों में से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी दिखेगी, इस आदमी से, इस कार में से, इस साइकिल में से? ये वाली लाइट कैसी आ रही है, अनपोलराइज्ड, उसको हम सामने देख रहे हैं दीवार में। ये कहां से आ रही है, सड़क से टकराकर। तो सड़क से टकराकर आने से ये कैसी हो चुकी है, पोलराइज्ड। तो अगर ये पोलराइज्ड हो गई है तो इसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आसपास की चीजें हमको साफ दिखती है, सड़क साफ नहीं, इंटेंसिटी कम हो गई। अब हमने क्या किया, हमने पोलराइजर वाला चश्मा पहन लिया और उसमें पोलराइजर ऐसे लगे, पोलराइड। ये पोलराइड इस लाइट को जो सड़क से आ रही है फुल अलाउ कर देगा, ऐसे। सड़क की चमक में कोई अंतर नहीं, पर सामने से जो दूसरी कार से लाइट आ रही है इस लाइट को क्या करेगा, वो आधा कर देगा, ये वाले वाइब्रेशंस को रोक देगा, इसको अलाउ करेगा ज्यादा। तो ये कैसे हो गए, हाफ। तो इंटेंसिटी इसकी कम हो गई। तो इसके कंपैरिजन में सड़क की इंटेंसिटी कैसी हो गई, ज्यादा। पहले ये था 100 और रोड की लाइट कैसी थी, 50 या 60। अब ये कितना हो गया, 50। रोड भी कैसी है, 50। तो जैसे हम पोलराइड का चश्मा लगाते हैं क्या देखते हैं, सड़क साफ दिखने लगी। ये कब काम में आता है, मोस्टली नाइट ड्राइविंग के समय काम में आता है। नाइट ड्राइविंग में सामने कार की हेडलाइट आती है, उसमें दोनों वाइब्रेशन होते हैं, और सड़क से जो लाइट आती है उसमें एक ही वाइब्रेशन होता है। तो जैसे हम पोलराइड का चश्मा पहनते हैं, इसका हेडलाइट का ये कट गया, अब हेडलाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो सड़क की इंटेंसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी, तो सड़क हमको साफ दिखनी शुरू हो जाती है। ये नाइट ड्राइविंग के लिए पोलराइड के चश्मा यूज किया जा सकता है। इसी तरह से पोलराइड के बहुत सारे यूज होते हैं। आपने 3D सिनेमा देखा है, 3D टीवी देखा है, 3D में भी पोलराइड को यूज करते हैं। जब हम फोटो खींचते हैं तो दोनों एंगल से फोटो खींचते हैं, इधर से भी इधर से, तो इधर से एक कान आता है, इधर से एक कान आता है, दो फोटो ऐसी आती है। जब हम किसी को देखते हैं दो आंख से, दोनों तरफ से देखते हैं,
ब्रेन में जाके दोनों इमेज आपस में मिक्स होती है, ब्रेन में प्रोग्रामिंग होती है, वो दोनों को मिक्स करके एक मूर्ति बना देता है और उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल इमेज, जो अभी हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए देख पा रहे हैं अच्छे से क्योंकि दोनों आंख से देखते हैं तो हमको थ्री डायमेंशनल इमेज दिखती है। लेकिन पिक्चर में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि पिक्चर स्क्रीन में आती है, टीवी स्क्रीन में आती है, तो उसमें दो पिक्चर अलग अलग नहीं आती। हम जब देखते हैं तो हमारी ये वाली आंख इधर से फोटो खींचती है, ये वाली आंख इधर से फोटो खींचती है, दो तरफ से दो फोटो जाती है। तो जब तक दिमाग में दो फोटो अलग अलग नहीं जाएगी वो मिलाकर 3D नहीं बना सकते। तो जब हम 3D पिक्चर बनाना चाहते हैं तो हम भी दो कैमरे लगाते हैं, उस सीन पर दो कैमरे लगाते हैं, एक इधर से फोटो लेता है एक इधर से लेता है, दोनों को लेकर आए, दोनों को प्रोजेक्टर से चलाए, एक ही प्रोजेक्टर से दोनों फोटो स्क्रीन पे डाल दी। अब स्क्रीन पे दो फोटो आ रहे हैं, एक में राइट ईयर दिख रहा है, एक में लेफ्ट ईयर दिख रहा है, दाहिना कान दिख रहा है, एक में बायां, और दोनों फोटो थोड़े से ऐसे हटे। अब हम देख रहे हैं दो दो फोटो दिख रहे हैं आजू बाजू, ब्लड दिखता धब्बा जैसे दिखता है। फिर हम एक पोलराइड का चश्मा पहनते हैं। एक कैमरे ने जो फोटो खींची थी उसके लेंस में ऐसा पोलराइड लेंस था, उसने ये वाले वाइब्रेशन अलाउ नहीं किए। दूसरे ने जो फोटो खींची उसके पास ये वाला पोलराइड था, इसने इसको अलाउ नहीं किया। तो दोनों ने अपनी अपनी फोटो खींची, फोटो की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि हमने पहले पढ़ा है पोलराइज लाइट की क्वालिटी में अंतर नहीं आता। दोनों ने इमेज की, दोनों ने अपनी इमेज यहां की, अब ये लाइट भी कैसी है, पोलराइज्ड। हमने अब चश्मा पहन लिया, हमारे चश्मे में एक तरफ ऐसे पोलराइड्स हैं और दूसरे तरफ ऐसे पोलराइड, ये जिसको अलाउ करेगा उस फोटो को जिसकी लाइट ऐसी जिसमें दाहिना कान बना हुआ है, और ये उस कैमरे की फोटो को जिसमें बायां कान बना है, तो ये दाहिने कान वाले को अलाउ नहीं करता, ये बाएं कान वाले को अलाउ नहीं करता। तो हमारी दोनों आंख जो पिक्चर देख रही है वो एक है कि दो, दो अलग अलग, एक इस एंगल वाले से ली गई है एक इस एंगल वाले से ली गई। ये वही व्यू हो गया जो हम नेचुरल देखते हैं। नेचुरल भी जब हम दो आंख से देखते हैं तो थोड़ा इधर से देखते हैं और इधर से देखते हैं, यही चीज हमने एक ही स्क्रीन में देख ली पोलराइड का चश्मा लगा। वो जो दो फोटो खींची गई थी एक इधर से दोनों फोटो हमने देख ली अलग अलग, अब हमारे दिमाग में दोनों फोटो अलग अलग गई, उसने उसको कंबाइन किया और थ्री डायमेंशन बना लिया। इस तरह से हमको थ्री डायमेंशन पिक्चर दिखती है, ऐसे दिखता है जैसे सामने आदमी खड़ा है, ये इल्यूजन होता है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, पोलराइजेशन पोलराइड की हेल्प से हुआ, ठीक है। अब इसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होने लगे, अभी आपने पढ़ा होगा, अभी फिर आएगा, गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट किया था, वहां के मुख्यमंत्री जब भाषण देते थे तो उनको 50 जगह पर एक साथ उनका भाषण दिखाया जाता था, और 3D टेक्नोलॉजी यूज करके, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करके, और इसको और इसका जो अच्छा फॉर्म था तो सब जगह यही दिखता था कि एक्चुअल में वो खुद खड़े हैं वहां, थ्री डायमेंशनल पिक्चर बना के। तो बहुत अजीब अजीब इसमें और क्रांति हो रही है, सो यू विल गेट मेनी न्यू एक्सपेरिमेंट्स। तो ये पोलराइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट था। पोलराइजेशन का एक और एप्लीकेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक पोलराइज लाइट हम डालते हैं, उसकी डायरेक्शन या तो लीवो हो जाती है या डेक्स्ट्रो हो जाती है, ये पढ़ा है, दैट इज अगेन वन एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। इस तरह से पोलराइजेशन से हम नंबर वन इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, नंबर टू थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर थ्री क्रिस्टल के अंदर का कंस्ट्रक्शन जान सकते हैं जिसमें हम इसको केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये पोलराइजेशन के तीन यूजेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता किस किस से है, रिफ्लेक्शन से, स्कैटरिंग से,
पोलराइजर यूज करके, तीन तरह से हम पोलराइजेशन करते हैं। ओके, अगर एक अनपोलराइज लाइट है उसके सामने हमने एक पोलराइजर रखा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट? 50%। उसके सामने हमने एक और पोलराइजर रखा और उसको 45 डिग्री घुमा दिया, अब इंटेंसिटी कितनी हो गई? और हाफ हो गई, दैट इज 25। तो एक अनपोलराइज लाइट के सामने हमने दो पोलराइजर रखे, क्वेश्चन सुनिए, अनपोलराइज लाइट के सामने दो पोलराइजर रखे और उन दोनों के बीच में 45 का एंगल है, तो आपको कितने परसेंट इंटेंसिटी मिली? 25%। पहले वाले ने कितनी कर दी? 50, और पोलराइज बना दिया। दूसरे ने और 45 डिग्री घुमा के उसको कितना कर दिया? हाफ कर दिया, सो दैट बिकम्स 1/4, 25%। समझ आया? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इंटेंसिटी के इसमें आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट पोलराइजेशन।